Hello girls, welcome back to my channel. I am Jasmine Ali. Today's video I am sharing you Garnier Skin Naturals new serum Max Hydro Bomb. अब इसको लगा के देखते हैं ये सही में बॉम है या नहीं. तो ये काफ़ी दिनों से पड़ा था मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू कर लिया जाए. तो ये मेरे पास एक पैकेट है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, उसको रिव्यू बताती हूँ आपको. और सबसे पहले तो आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. और सबसे पहली बात तो, और मेरी जो वीडियो है मुझे अभी फेस करने में कैमरे को टाइम लगेगा, तो अगर मुझसे जो भी गलती होती है तो प्लीज़ आप माफ़ कर देना, क्योंकि आप माफ़ करने वाले हैं, क्योंकि आप ऑडियंस हैं और आप ही मेरा चैनल ग्रो करेंगे. तो इसके लिए मैं पहले से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो सबसे पहले मैं देखो कि ये ऐसे पैकेजिंग में आता है और ये काफ़ी उसमें मिल जाता है, मतलब फ्लेवर में. तो मेरे पास ये वाला है पोमोग्रेनेट का, तो देखते हैं इसका ग्लो कैसे आता है. तो इसको ओपन करते हैं, यहाँ से ओपन कर लिया है. अब मैं इसको अप्लाई करूँगी अपनी फेस पे, क्योंकि ये इसमें लिखा हुआ है कि सीरम मार्क्स हाइड्रो बॉम, तो मुझे ये देखना है सेम ही हाइड्रो बॉम है कि. पहले तो मैं अपने बाल सिक्योर कर लूँगी पेंसिल, ताकि डिस्टर्ब न करें मैं जब इसको अप्लाई करूँ. तो अब अप्लाई करते हैं इसको फेस पे. ये ऐसा आता है, अंदर बहुत सारा सीरम है और इसको ओपन करना पड़ता है. ये फेस के हिसाब से इसको लगाना पड़ता है. ये इसे ओपन करता है, पूरे फेस पे लगाना पड़ता है. नीचे का पेपर को, ओह गॉड, मैं तो बहुत स्केरी लग रही हूँ इसको लगा के अपने फेस पे. मुझे इसको अप्लाई करना भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये मैंने सेकंड टाइम करा है अपने फेस पे. तो ये ऐसे अप्लाई हो रहा है, तब मुझे वेट करना पड़ेगा 20 मिनट्स या 15 मिनट्स, या के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपको जल्दी तो आप कुछ कर सकते हो. इसके बाद भी आप देख सकते हैं इसके अंदर सीरम है मेरे अप्लाई करने के बावजूद भी इसके अंदर बहुत सारा लिक्विड है. मैं आप ओपन कर सकती हूँ, बट मैं इसको यूज़ में ले लूँगी अपने हैंड पे, दिस साइड मैं इसको ऐसे यूज़ में ले लूँगी. तो ये मैं लास्ट में करूँगी, अभी तो मैं भूत लग रही हूँ आपको. मेरा मजाक मत उड़ाना आप, क्योंकि मैंने ये आपको अप्लाई करके बता दी. तो मुझे वेट करना पड़ेगा, मिनट हो चुके हैं. अब मैं इसको रिमूव करूँगी. लुक एट माय स्किन, देखो मेरे स्किन को, कि इसको लगाने के बाद मेरी स्किन कैसे ग्लो कर रही है. अब मुझे ये मैं एक्स्ट्रा था ना, तो मैं इसको है ना अपने रब कर लूँगी, क्योंकि इसके अंदर सीरम बहुत सारा है, ताकि मेरे इसमें भी जो ब्लैक हो जाती हैं एकदम गोरी गोरी हो जाए. तो ये अब मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, और आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरा स्किन है ना इससे ग्लो करने लग गई है. वाकई में ये बहुत अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं, पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे आपके. और मेरी स्किन है ना सॉफ्ट हो चुकी है. अगर आप कैमरे के यहाँ पर होते मेरे घर पे, तो आपको पता चल जाता मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है इससे 15 मिनट लगाने के बाद में. अब इसके बाद मैं लगाती हूँ सीरम मेरा जो है ये वाला एंड माई बेकअप, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैंने ये अप्लाई कर लिया था, मैंने सोचा थोड़ा सी इसको भी लगा ही हूँ हाथों हाथ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी. तो बस टेक केयर.